चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज अख्तर का। शाहनवाज, देखिए वैक्सीन की डोज आज से लगाई जानी थी और सरकार ने ये कहा था कि वैक्सीन की डोज अगर 18 साल से ऊपर वालों को दी जानी है तो वैक्सीन की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जिसके लिए कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले भी कहा था कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमें डोज दिया जाना चाहिए। आपके साथ खुद अभी स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस मसले पर, बातचीत हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी आरती, वैक्सीनेशन आज से शुरू होना चाहिए था 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 45 साल तक के, और बड़ी संख्या में एक्साइटमेंट मैंने देखी थी युवाओं में। बहुत लोग फ़ोन करके पूछते थे तो हम बताते थे कि cowin.gov.in में वो डायल करें। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन आज ये वैक्सीनेशन झारखंड में शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह क्या है, हम जानने के लिए खुद मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के पास। वो क्या कहते हैं, बहरहाल उन्होंने पहले ही कहा था कि वैक्सीन का जो डोज है वो 2.5 लाख डोज हमारे पास है, जो नाकाफी है इस बड़े प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका इस सीधे प्रसारण में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, राष्ट्र ने स्वागत किया था, लेकिन झारखंड में शुरू नहीं हो पाया, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता होनी चाहिए, और जब उपलब्धता नहीं होगी कोई वैक्सीन तो हमारे झारखंड में तो बनता नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली दोनों जो निर्माता कंपनियां हैं, उन कंपनियों को हमने 50 लाख वैक्सीन क्रैक करने का ऑर्डर दे दिया है, और ऑर्डर देने के उपरांत उन्होंने कहा है कि हम 15 मई के बाद और मई के अंतिम सप्ताह में ही आपको जो है सप्लाई कर पाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ जो है भारत सरकार ये कहती है कि 1 मई से आप जो है वैक्सीनेट करिए लोगों को, 18 साल से ऊपर के लोगों को, और राज्य सरकार उसको क्रय करेगी। चलिए, राज्य सरकार क्रय करने के लिए 50 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर भी कर दिया, और हमारे तो कुल 1,57,00,000 लोग हैं 18 से 45 साल के, तो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि हम हर हाल में उसको वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करेंगे। लेकिन उसकी उपलब्धता तो होनी चाहिए। जब वैक्सीन उपलब्ध था तो 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज जो है प्रधानमंत्री जी ने विदेश को भेज दिए। अब आप बताइए कि जब जिस चीज़ की हमारे देश के लोगों को आवश्यकता है, और आयात और निर्यात नीति पर देश जो है बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करता है कि आयात क्या होना चाहिए, निर्यात क्या होना चाहिए, लेकिन वाहवाही में देश की वैक्सीन जो 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश में भेज दिया गया, और जब आज हमको वैक्सीन कितनी ज़रूरत है कि लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, तो हमको वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। आज लोग जो है रेमडेसिविर के लिए जो है, रेमडेसिविर की स्थिति आप देख लीजिए क्या है, कि रेमडेसिविर जो है गुजरात ने 1 लाख वहाँ पेशेंट है और गुजरात को भेज दिया है 1,65,000। हमारे यहाँ 50,000, 55,000, 60,000 तक पेशेंट भाग रहे हैं, तो भी हमको जो 20,000 रेमडेसिविर जो है वो भी 10 दिन में दिया जाएगा, जबकि हमको एक दिन में मिनिमम आज के दिन में 4,000 रेमडेसिविर की जरूरत है। तो इसको तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी को ये तो तय करना चाहिए कि भाई जो चीज़ हमको जरूरत है उस चीज़ को हम विदेश क्यों भेजेंगे, और विदेश भी देखिए कहाँ भेजते हैं, दिन रात पाकिस्तान को गाली देते हैं और पाकिस्तान को भेज दिया 45 लाख डोज। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। भूटान को भेज दिया 25 लाख डोज। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो आज हमारे पास, हमको आज केंद्र सरकार यदि आज उपलब्ध करा दे, और आज उपलब्ध करा देगा तो हम कल से वैक्सीनेट करने लगेंगे लोगों को, क्योंकि हमने सारी व्यवस्थाओं को कायम करके रखा है, और हमारे पास आज की कैपेसिटी है कि आज एक दिन में हम 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट करा सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे सेंटर बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इसके बाद भी हमको एक भी वैक्सीन नहीं है, और जो पूर्व की वैक्सीन है वो वैक्सीन जो है जो हमारे लोगों को सेकेंड डोज देना है, और जो हमारा चाहे हेल्थ वर्कर है, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर है, चाहे अबव 45 के लोग हैं, उनको हमको देना है, तो उसको देने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। तो कब तक आखिर कोई अंदाजा मिला है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या कोई डेट दिया है, कि क्योंकि आपने पेमेंट भी बोला कि हमने भेज दिया। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो मैं भविष्यवक्ता हूँ ना ज्योतिषाचार्य हूँ,
हम तो जो चीज़ है आशावादी जरूर हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से विवेचना करें और विवेचना करके जो 10 लाख डोज उन्होंने रिजर्व करके रखे हैं, ये 10 करोड़ डोज उन्होंने जो रिजर्व किए हैं और 2 करोड़ डोज मतलब 12 करोड़ डोज जो रिजर्व करके रखे हैं, वो डोज का कुछ हिस्सा हमारे गरीब ट्राइबल बैकवर्ड झारखंड के लिए दें, ताकि हम इसको शीघ्रातिशीघ्र जो है यहाँ जो है वैक्सीनेशन के लाभ से लोगों को लाभान्वित कर सकें। तो ये मान के चला जाए कि अभी कोई तारीख नहीं दी जा पाएगी क्योंकि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, तो वैक्सीन से इतर हट करके अब हम थोड़ा सा बेड्स की उपलब्धता में बात करें। बेड्स आज की डेट में आपने कितना कर लिया पिछले सुरक्षा सप्ताह का, 1 हफ्ता, 2 दिन, इस हफ्ता 7-9 दिन हो चुके हैं। देखिए, अभी हमारे पास कुल बेड की संख्या 18,696 है और उसमें अभी हमारे पास जो है नॉर्मल बेड 8,220 हैं और हमको ऑक्सीजन बेड अभी 6,510 हैं, और इसके साथ हमारा वेंटिलेटर जो है वो वेंटिलेटर 621 है और आईसीयू बेड की संख्या हमने अभी तक 3,305 के करीब बढ़ाई है। तो लगातार हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं और लगातार अपग्रेड, आज भी मैं गोड्डा में जो है 30 बेड का जो ऑक्सीजन बेड का अस्पताल है उसका जो है उद्घाटन करूँगा। तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसको रिव्यू कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग लगातार इसको अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से ये अचानक जो है कोविड-19 का ये दूसरा चक्र आया है और ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया है और इसको ये एक आपदा है, और आप जानते हैं कि हम सारे लोग लगे हैं, यहाँ तक कि आप प्रेस प्रतिनिधि हैं लेकिन आप भी ये लगे हैं कि कैसे 4 लोगों की जान बचाई जा सके। मैं लगातार न्यूज़11 को भी देख रहा हूँ कि उसने भी मुहिम छेड़ रखी है कि हम कैसे इस झारखंड के लोगों के जीवन रक्षक में। अभी तो सारे लोग, कोई एंकर बन के काम नहीं कर रहा है, कोई न्यूज़ एजेंसी बन के काम नहीं कर रही है, कोई मंत्री बन के मुख्यमंत्री बन के काम नहीं कर रहा है, हम सारे लोग जो है मानवीय दृष्टिकोण में एक इंसान बनकर इंसान के जान माल की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो हर आदमी ये सोचता है, हम लोग तो मुर्गा खाते भी हैं लेकिन मुर्गा खाने के बाद भी यदि मुर्गा गाड़ी के सामने आ जाता है तो उसको बचाने के लिए भी ड्राइवर की जान चली जाती है। तो जब आदमी, एक जीवित आदमी की स्थिति मरन मरन मरनों के मरने की स्थिति में जब होती है तो हर आदमी कहीं ना कहीं संवेदनशील होता है, और हम सारे लोग संवेदनशील होकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके हम जान बचाएं, कैसे जान माल की रक्षा करें। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। हाँ जी, ये जरूर है कि ये संकट की घड़ी में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, और पक्ष विपक्ष, ये स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, स्वास्थ्य विभाग तो जो है ये सबका विभाग है और सबके लिए काम करने वाला विभाग है। इसलिए हम सबों से निवेदन करेंगे कि इस विपदा की घड़ी में आइए हम सब मिलकर, राजनीति राजनीति तो बाद में भी कर लेंगे लेकिन अभी तो वक्त है कि एक दूसरे की जान बचाकर इस राज्य को के जान माल की सुरक्षा करने की। ये ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्वास्थ्य मंत्री जी, सदर अस्पताल खास करके रांची में ऑक्सीजन नहीं, देखिए झारखंड में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है, और कल भी हमने दिल्ली को 80 टन ऑक्सीजन दिया है, 90 टन हमने उत्तर प्रदेश को दिया, हरियाणा को 80 टन दिया है, 12 टन बिहार को दिया है, हमारे पास अभी भी 7,000 टन ऑक्सीजन है। अभी कमी ये हो रही है कि जो हमारे पास जो उसके सिलेंडर वगैरह हैं उसकी रिफिलिंग की कमी हो रही है और सिलेंडर की कमी है। अभी हम 5,000 CSR में हम टाटा स्टील से ले रहे हैं, 17,000 हमने क्रय करने के लिए किया है, 18 ऐसी रिफिलिंग कंपनी को हमने अधिकृत किया है और लगातार 12 से 13 हज़ार जो है रिफिलिंग हो रही है, लेकिन इसको अभी हम लोग बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं। इवन जो हमारा कॉमर्शियल सिलेंडर वगैरह हैं जिसको जंबो सिलेंडर कहते हैं, उस सिलेंडर का भी उपयोग हम जो है जीवन रक्षक के रूप में उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी शिकायत कल आई थी लेकिन उसको हम लोगों ने अविलंब दूर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्ध करा लेंगे और ऑक्सीजन की कहीं कोई इस राज्य में कमी नहीं होने देंगे।
स्वास्थ्य मंत्री जी, मैन पावर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्रूशल सब्जेक्ट है। डॉक्टर हैं तो कम है, नर्सेज हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। क्या नहीं लगता है कि पिछली सरकारों ने ये जो अपॉइंटमेंट नहीं किया उसका आज क्रंच आपको भुगतना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, यदि आप जो है MCI की गाइडलाइन देखेंगे तो MCI की गाइडलाइन देखने पर आप स्पष्ट पाएंगे कि जो नॉर्मल स्वास्थ्य कर्मी की जरूरत थी, ये तो आपदा है, इस समय तो हर आदमी को आवश्यक आवश्यकता है, लेकिन जो नॉर्मल स्वास्थ्य का समय था उस समय ही MCI का गाइडलाइन था, उसमें 85,000 लोग स्वास्थ्य वर्करों की कमी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे राजनीति बात, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी एक जगह RT-PCR मशीन जो है लैब स्थापित नहीं था। हमने 7-8 जगह RT-PCR लैब स्थापित किए, 6 जगह और नए RT-PCR लैब स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, और लगातार ट्रूनेट मशीन भी हमने 200 के करीब बढ़ाई है। तो आप निश्चित तौर पर अभी लोगों की कमी है, लेकिन हम लोग अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी और अपने राज्यों से भी जहाँ तक हो पा रहा है कि हम मैन पावर, कल भी हमने करीब 175-180 लोगों को नई जो है व्यवस्था में शामिल किया है, जिसमें GNM है, ANM है, हमारे जो हैं कुछ डॉक्टर हैं, कुछ उसमें जो है पैरामेडिकल स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। आज भी हम लोग जमशेदपुर में भी कुछ जो है कुछ लोगों को अधिकृत करने पर जो है विचार कर रहे हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मरता क्या ना करता, जब बाढ़ आती है तो सांप चूहा सब एक पेड़ पे बैठ जाता है, तो हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके पास भी 10-20 ऐसे लोग हैं या 100-200 ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों की जान बचा सकें, तो हम उन लोगों को भी शामिल करेंगे, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। मैं तो निवेदन करूंगा सभी संस्थाओं से कि सामाजिक कार्यकर्ता जितने हैं, आइए हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, और हम स्वास्थ्य मंत्री कम हम जो है सहकर्मी की भूमिका में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसीलिए मैं सदर अस्पताल के ICU के बेड तक जाकर मरीजों की कुशल क्षेम पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी देश का ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जो ICU में जाकर कोविड के मरीजों से जाकर कुशल क्षेम पूछ रहा है, वहाँ जो है इलाज कराने के लिए प्रवेश कर रहा है? क्या कोई भी इतना हिम्मतवर कोई स्वास्थ्य मंत्री यदि इस देश में कहीं आपको दिखे तो आप एक बार दिखा दीजिए, बता दीजिए। लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है, और मुझे मालूम है कि मौत और जीवन उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन इस विपदा की घड़ी में हम यदि स्वास्थ्य मंत्री हैं तो हम घर में छुप के बैठ के हम लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं खुद भी जान हथेली पर लेकर जाता हूं और जाकर उनकी जो है खिदमत करता हूं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और भावनात्मक रूप से बहुत व्यथित हो जाते हैं जब भी किसी के मौत का समाचार मिलता है, हालांकि जो रिकवरी रेट है वो झारखंड में लगातार सुधर रही है, लेकिन अभी जो मौतों की संख्या है वो उस पर विराम नहीं लग पा रहा है। गर्मी की भी बहुत ही प्रचंडता है, ऑक्सीजन की भी कमी है, जिसको काफ़ी हद तक ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी समस्याएं भी एड्रेस हो रही हैं, बेड्स की अब कोई कमी नहीं रही है, लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये समय बहुत ही क्रूशियल है, हर एक व्यक्ति जो सेवा में है, चाहे वो निजी सेवा में है, समाज सेवा में है, ऐसे में सबके सपोर्ट की जरूरत भी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए।